Hello, welcome student. Today we are going to discuss your recent test paper. So start with the first question. लेकिन आपको बस इतना याद रखो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में आपको अपने यहाँ पे बोला है, कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आपको सेंटेंस को उसका मीनिंग चेंज किया या निगेटिव बनाना है. जैसे कि आपको ये फोर्थ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको बोला गया है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव बनाना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज किए बिना. लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या? यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया है और यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है, तो आपको बस सेंटेंस को सिंपली निगेटिव बनाना है. तो देखो सबसे पहला क्या है, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. सेंटेंस क्या है, श्याम पास द टेस्ट. ये आपका हुआ सेंटेंस. तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, बस सिंपल निगेटिव बनाना है. अब सिंपल ही निगेटिव बनाना है तो हमको उसमें सिर्फ नॉट लगेगा. फिर हमको एंटोनिम की जरूरत है क्या? एंटोनिम की जरूरत हमको कब पड़ती है? नॉट प्लस एंटोनिम हम तब यूज करते हैं जब हमको सेंटेंस बनाना है उसका मीनिंग चेंज किए बिना. अब हमको निगेटिव इसमें तो बनाना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, बस. तो हमको इसमें चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए नॉट. अब नॉट आ गया. अब यहाँ पे देखो कोई टू बी फॉर्म वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह है क्या सेंटेंस में, ऑक्सिलरी वर्ब जिसके बाद हम जैसे नॉट लगाते थे, तो यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं दिया है. यहाँ पे सिंपली मेन वर्ब है. मेन वर्ब क्या है? पास्ट. ठीक है, अब पास्ट है और पास्ट को क्या लगा हुआ है? ईडी. अगर पास होता, पासेस होता, मतलब उसको यस यस आई एस होता, तो अगर उसको डू या डज लगाते. लेकिन अब उसको ईडी लगा हुआ है, तो अगर ईडी लगा है तो उसमें क्या लगाते हैं? डिड. तो प्लस आया इसमें डिड. अब हमने बोला था कि जब अगर सेंटेंस में एक बार डिड लग गया तो वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है. अब यहाँ पे डिड नहीं था तो वो पास था. अब जब अपन सेंटेंस को निगेटिव बनाने जा रहे हैं और डिड हमने लगा लिया है तो आपको उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, तो ये बन जाएगा पास. तो ये किस तरह से बन जाएगा? डिड नॉट पास. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन किस ऑप्शन में ऐसा दिया है डिड नॉट पास? यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन में दिया है डिड नॉट पास, हैड नॉट पास और नन. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए, मतलब डिड नॉट पास. तो ये हुआ फर्स्ट. नाउ सी इन सेकेंड, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं किया है कि मीनिंग चेंज किए बिना करना है, बस निगेटिव बनाना है. किससे? पॉजिटिव से. सेंटेंस क्या है? ही गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर. यहाँ पर भी कोई टू बी फॉर्म का वर्ड, मतलब एमिज आर वॉज वेयर टाइप या कोई हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया है? एक मेन वर्ब दिया है. मेन वर्ब है. आप देखो सबसे पहले निगेटिव के लिए क्या जरूरी है? नॉट. अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब को यस यस आई एस कुछ लगा है? नहीं लगा है. वो उसको मतलब उसके पास्ट फॉर्म में है? नहीं है. प्रेजेंट फॉर्म में और उसको यस यस आई एस नहीं लगा है, तो इसको क्या लगेगा? डू. ठीक है, और अब इसमें विदाउट चेंजिंग मीनिंग बनाना है तो एंटोनिम की जरूरत नहीं, तो प्लस आ जाएगा, गिव गिव एज इट इज आ जाएगा. तो ये किस तरह से बनेगा? डू नॉट गिव. तो इस तरह का कौन से, मतलब कौन से ऑप्शन में इस तरह से दिया है? डू नॉट गिव. कहाँ पे दिया है? आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में. तो ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन. नाउ सी इन थर्ड, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. अब इसमें देखो, ही गोज टू ऑफिस एट 9 o'clock. यहाँ पे भी कोई मेंशन, मतलब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया है, मेंशन भी नहीं किया है कि आपको विदाउट चेंजिंग मीनिंग बनाना है, बस निगेटिव बनाना है. अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ आपको मेन वर्ब दिया है और मेन वर्ब के साथ लगा है ईएस. तो सबसे पहले आएगा नॉट और मेन वर्ब के साथ ईएस लगा है तो डज आ जाएगा. ठीक है, अब डज आ गया तो वो उसके कौन से फॉर्म में आ जाएगा? वो आ जाएगा उसके एक्चुअल फॉर्म में. तो आएगा वो उसके एक्चुअल फॉर्म में आएगा तो वो बन जाएगा गो. तो ये किस तरह से बनेगा? डज नॉट गो. उसको गोस को गो क्यों करें? क्योंकि हमने यहाँ पे डज लगा दिए थे. डज लगाने की वजह से वो उसके एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. सी हियर, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको पॉजिटिव से निगेटिव में बनाना है लेकिन अब आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है.
और अगर आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है तो आपको दोनों रूल याद रखने होंगे। सबसे पहले नॉट प्लस उसका एंटोनिम, तो आपको यहां पर अब दोनों की जरूरत पड़ेगी। चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अब क्वेश्चन क्या है, दे अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ दिया है मेन वर्ब, ठीक है। अब हम मेन वर्ब यहाँ पे दिया है और मेन वर्ब के साथ क्या लगा है, ईडी, ईडी लगा है तो क्या आएगा, नो डाउट डीड आएगा। नॉट बनाना मतलब निगेटिव बनाना है तो नॉट आएगा, और विदाउट चेंजिंग बनाना है तो एंटोनिम आएगा, तो अराइव का एंटोनिम आता है लीव, तो ये बन जाएगा लीव, ठीक है। अब यहाँ पहले से डिड लगा है तो हम उसको लिव तो नहीं बनाएंगे, मतलब उसको ईडी नहीं लगाएंगे, तो ये कौन सा बन जाएगा, डिड नॉट लिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डिड नॉट लिव, आपका ऑप्शन करेक्ट है बी, राइट। नाउ सी इन फिफ्थ, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यहाँ पे भी मेंशन किया है कि विदाउट मतलब उसका मीनिंग चेंज किए बिना उसको नेगेटिव बनाना है। He dared to challenge me. यहाँ पर dare, ये आपका मेन वर्ब दिया है, ठीक है। अब आपको इसमें भी क्या लगेगा, not, not लगेगा। अब dare, उसका कोई मतलब yes, yes, yes लगा है, नहीं लगा है, past form में है, नहीं है, मतलब वो सिंबल उसके present form में है, और उसको yes, yes, yes नहीं लगा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, do आ जाएगा, do। और अब जो dare है, dare का एंटोनिम, एंटोनिम क्या आ जाएगा, फियर। तो ये किस तरह से बनेगा, डू नॉट फियर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ई। तो ये हुए आपके यहाँ के फिफ्थ फाइव क्वेश्चंस के करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला था ए, सेकंड था बी, थर्ड था ए, फोर्थ था बी एंड फिफ्थ था ई। नाउ सी इन से सिक्स क्वेश्चन, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेम यहाँ पे भी मेंशन किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है, बस आपको यहाँ पे मीनिंग को चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे दे हैव प्रॉमिस टू पे हायर वेजेस, यहाँ पे जो मेन वर्ब है प्रॉमिस, इसको लगा है ईडी, और ईडी लगा है तो हम इसको डिड लगाकर सेंटेंस नॉट बनाकर इसको एंटोनिम ले सकते थे, लेकिन लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के पहले यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। यहाँ पे हैव आया है और हैव आने की वजह से आपको मेन वर्ब को नहीं, पहले हैव को देखना है। हमने बोला था अगर कोई हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इस तरह का वर्ब अगर सेंटेंस में है तो आपको उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगाना है, और जो वर्ब है मतलब जो है वर्ड उसका बस आपको क्या करना है, एंटोनिम लेना है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, Have not, कहाँ पे दिख रहा है आपको, have not ये हो गया और disagree, ठीक है। Now in seventh question, make affirmative from negative. अब आपको क्या करना है, negative से affirmative बना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, हम पॉजिटिव से उसको negative कर रहे थे, अब आपको क्या करना था है, affirmative बनाना है, किससे, negative से। तो अब आपको सेंटेंस है negative का, उससे आपको affirmative बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिड नॉट एडमिट, क्या है, डिड नॉट एडमिट, डिड है, नॉट है और एडमिट है। डिड है मतलब जो वर्ब है उसको अब हमको क्या करना है, नॉट को तो निकालना है, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव बनाना है तो हमको नॉट का काम नहीं है। अब डिड है और एडमिट है, तो एडमिट का एंटोनिम, एडमिट का एंटोनिम हो गया डिसमिस, डिसमिस, ठीक है। और अब डिड लगा है, अब हम डिड को निकाल रहे हैं और नॉट को भी निकाल रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा ईडी, तो डिसमिस्ड, मतलब उसको हमको पास्ट फॉर्म में, उसके पास्ट फॉर्म में बनाना है डिसमिस्ड, क्योंकि यहाँ डिड लगा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखो, मेक अफर्मेटिव फ्रॉम निगेटिव, आई कांट अपीयर फॉर एग्जाम, यहाँ पे भी आपको क्या है, निगेटिव से अफर्मेटिव करना है, क्या है, कांट मतलब कैन नॉट, और हमने बोला कैन नॉट कुड नॉट हो तो अनेबल टू लगाना है, उसके पहले एमिजार वॉज वेयर, अगर कैन नॉट था तो एमिजार और कुड नॉट हो तो वॉज वेयर। अब एम इज आर, इसमें से क्या आएगा, वॉज वेयर, इसमें से क्या आएगा, वो किस पे बेसिस पे है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या है, कैन नॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम इज आर, और ये बन जाएगा
अनेबल टू, एम इज आर अनेबल टू बन जाएगा। अब यहाँ पे आई है तो आई है तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे एम अनेबल टू, तो आई एम अनेबल टू कहां पर दिया है, एम अनेबल टू दिया है ऑप्शन डी, तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी इन नाइन्थ, मेक अफर्मेटिव फ्रॉम नेगेटिव, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। ही नेवर रन्स, और हमने ये रूल भी पढ़ा है, अगर नेवर आता है तो आपको बस नेवर की जगह ऑलवेज लेना है, और इसका अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर का आ जाएगा ऑलवेज, तो यहाँ पे चारों इसमें ऑलवेज दिया है, बस इसका अपोजिट कहाँ दिया है, अपोजिट दिया है वॉक और वॉक्स दोनों दिया है। अब देखो यहाँ रन्स है तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वॉक्स मतलब सी, ठीक है। नाउ इन टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन, मेक अफर्मेटिव फ्रॉम नेगेटिव, वी कुडंट सेव, इसी की तरह से जैसे कुड है मतलब कुड नॉट, तो यहाँ पे आ जाएंगे वॉज वेयर अनेबल टू, वॉज वेयर अनेबल टू, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी की वजह से यहाँ पे आ जाएगा वेयर अनेबल टू, तो वेयर अनेबल टू मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो ये थे आपके सभी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम 6 to 10। सो अभी हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू।